Hello everyone, hope you all are doing good. As you all know that we are doing a series of videos with international people, with the professionals who are based in Istanbul. And this is the reason aaj dobara humne Mirza Khan ko yahan pe hamare office bulaya hai. And the reason iska sirf yahi hai ki hamare paas jo queries aati hain, jo hamare paas sawal aate hain, aur usko hum aaj aapko brief ek jawab de saken ki why Turkey. Aur iske liye we believe hum qualify isliye hote hain, being as a chartered accountant and have 10 years of professional experience in different countries across the world. And mashallah, Mirza Khan is an MBA finance and economics, and he's living and working in Istanbul for several years. So Mirza Khan, welcome back again. Thank you Adil bhai, aur bahut acha hua ki dobara hum mile. Bilkul, aapke pehle to time ka shukriya. Nahi, thank you, koi baat nahi Adil bhai. To jaise ki hamare paas customers ka हमारे पास कॉल्स आती है, क्वेश्चंस आती है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे इसीलिए हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. और जिस तरह वो पहले वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने आपसे क्वेश्चंस किया था, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे ताकि वो फिगर्स के साथ, बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर सके. ये 10 साल के अंदर जो कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था, किसी रिसेंट ईयर्स में तुर्की कहाँ से कहाँ पहुँची है, तो ये जब हमारे वीडियो व्यूअर्स देखेगा तो वो खुद भी सर्च कर सकता है इसके बारे में. बिल्कुल. तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए. और मिर्ज़ा खान, बात वही है कि बातें सारी होती हैं, जिस तरह हम इससे बैक एंड पे भी डिस्कस कर रहे थे, वाई नॉट हम बातें करें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करें, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आइडिया हो कि जो बात हम कर रहे हैं वो हमारी तरफ से नहीं है, कोई बनाई हुई बातें नहीं है, वो बातें हैं जो हम IMF के, OECD के और इन सारी चीज़ों के हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ माशाल्लाह जिस तरह आज बैठे हैं. तो आपसे पहले शुरू करते हैं, वाई टर्की? ये जनरल क्वेश्चन है आदिल भाई, के सब लोग जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे लिविंग के लिए, तो वह अपने लिए जॉब करना या और बिजनेस करना, तो वो ऑब्वियसली जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आती है तो ये सोचते हैं कि वहाँ पे जब हम लीव करेंगे तो बिजनेस के लिए हम जा रहे हैं, तो बिजनेस क्या करें. बिल्कुल. तो ये बिजनेस जहाँ पे होता है कि जिसका इकोनॉमी स्टेबल हो, ग्रोथ पे जा रहा हो, तो जिस तरह हम तुर्की को, एक तो हम लोकेशन के हिसाब से देखते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हमने पहले भी व्यूवर्स को बताया था कि तुर्की का जो लोकेशन है, अगर आप छोटा भी बिजनेस शुरू करेंगे यहाँ पे, छोटे से बिजनेस से भी स्टार्ट करेंगे, लोकेशन के हिसाब से आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, एज मिलता है कि दुनिया के हम सेंटर में हैं इस वक्त. एग्जैक्टली. तो अगर हम यहाँ पे फिगर्स के साथ बात करें, हमारे इस साइड पे रशिया है, तो अगर रशिया को हम देखें, इसकी पॉपुलेशन को अगर हम मद्देनज़र रखें और इसकी GDP को मद्देनज़र रखें, और या हमारे इस साइड पे जब हम देखते हैं यूरोप है, एक तो साइड पे बिल्कुल रशिया है, यूरोप है, फिर नीचे हमारे इधर अफ्रीका आ जाता है, फिर हमारे एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशिया आ जाता है, तो अफ्रीकन कंट्रीज सारे आ जाते हैं. अगर ये हम ये सबको मिला के अगर हम फिगर के साथ बात करें, 1.7 बिलियन लोगों की आबादी यहाँ पे है, कि तुम सेंटर पे जब तुम एक छोटा सा काम भी शुरू करते हो, और तुर्की का जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि जब वहाँ से तुम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो, यहाँ से तुम एक्सपोर्ट करते हो, वहाँ से तुम इंपोर्ट करते हो, इसके लिए तुर्की गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज दी हुई है और बहुत सारी सब्सिडीज दी हुई है. सब्सिडीज दी, जिस तरह आपको, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जिस तरह आपको पता होगा कि आजकल इन्होंने नया निकाला है एग्रीकल्चर के ऊपर, कि 50% आप इन्वेस्ट करो, 50% टर्किश गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है. एग्जैक्टली. तो इसी तरह ये तो बिजनेसमैन को, स्मॉल SMEs को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को, पार्टनरशिप्स को, ये तो बहुत इनकरेज कर रहे हैं कि यहाँ पर आए, अपने बिजनेसेस करें, अपनी कंपनीज को रजिस्टर करवाएं और वर्क करें. Exactly. और अगर ये हम लोकेशन को क्रॉस करके तुर्की का जो GDP ग्रोथ है इसको देख ले, तो हमारे व्यूवर्स भी IMF का जो एनुअल चार्ट है जो रिपोर्ट देती है, उस पर अगर ये देखें 2003 के बाद जो चार्ट आ रहा है IMF का, उस पर तुर्की का जो GDP ग्रोथ है वो 5.6 है. तो ये अगर वहाँ पे आप यूरोप को देखेंगे, यूरोप की सारी कंट्रीज को देखेंगे, जिसकी ग्रोथ 1.5 है, कई की ग्रोथ 2.5 है, तो आप जर्मनी को अंदाजा करें ना, जर्मनी की 1.5, यूके की 1.5, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो IMF का जो लिस्ट आता है हर साल में, तुर्की
is the one of the highest cost position बिल्कुल ऐसे ग्रोथ में है तो इसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्यों बिल्कुल कि एक अगर हम इसी को लोग कंपेयर करते हैं बहुत चाम है यूएस का कनाडा का मतलब कोई बंदा बिजनेस करना चाहे वो कहेगा मैं कनाडा क्यों ना मूव हो जाऊं यूएस क्यों ना मूव हो जाऊं जर्मनी है यूके है मगर अगर यूएस का और कनाडा का जीडीपी ग्रोथ देखें तो वो 2 है एज पर द आईएमएफ रिपोर्ट जर्मनी का यूके का देखें तो 1.5 है और टर्की का जो है वो 5.6 है आई विल से कि 4 टाइम्स हायर है देन द यूके यही सारे रीजंस आदिल भाई एक साथ मिलके इसको तुर्की को बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं और यही रीजन है कि रिसेंट ईयर्स में तुर्की बहुत फास्ट ग्रोइंग कर रही है और ये टारगेट है कि 2023 तक 2025 तक ये ग्रोथ 5.6 ही और इससे ज्यादा हो जाएगी ज्यादा हो जाएगा लेकिन ये जो आईएमएफ का जो फॉरकास्ट है ये कह रहे हैं कि 2025 तक ये ग्रोथ 5.6 ही रहेगा जाएगा और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं एक रीजन यही था कि तुर्की ने बहुत फैसिलिटीज दी फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे आते हैं और जब हम तुर्की के अंदर भी देखते हैं ना यहाँ पे तुर्की का जो यंग पॉपुलेशन है अगर आप कंपेयर करेंगे यूरोप के साथ तो तुर्की में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा 32 मिलियन यंग पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू ऑल यूरोप कंट्रीज मतलब यूरोपियन कंट्रीज तो वो छोटे छोटे हैं ना उनकी इतनी आबादी नहीं है जितनी यहाँ पे आपको यूथ मिल जाती है एक यंग पॉपुलेशन मिल जाती है तो ये भी एक बेसिक रीजन बनता है कि वाई तुर्की तो यहाँ पे आपको जॉब करने में आसानी है यहाँ पे आपको बिजनेस में आसानी है कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता है जिस तरह अगर आप ये फिगर्स को देखते हैं कि यहाँ पे फॉरेनर्स जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं तो आप अगर 100 बंदे को आप निकाल दें एज ए फिगर तो उनमें से 1995 पीपल दे आर सक्सेसफुल एग्जैक्टली सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस दिस इज द रीजन व्हाई a lot of people ask from us so as why Turkey they're comparing like Dubai with Turkey so you have to like compare like bananas with bananas yeah. apple with with your investment what you are receiving from Turkey with your investment what you are receiving from Dubai so bilkul ab aapki baat ko main interrupt kar raha hu dekhen hamare paas sabse zyada sawal aata hai ki hum Dubai mein kyun invest kar le लाइफ वाइज इन्वेस्टमेंट करो ना मतलब सवाल भी है तो लाइफ वाइज होना चाहिए टर्किश हिस्ट्री 4000 साल पुरानी है ठीक है और दुबई को आप ले लें तो वो 30 साल पहले कुछ नहीं था और इस तरह अगर हम बोले कि दुबई में अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो खुद सर्च करता है कि मुझे यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है बेनिफिट्स मिल रहे हैं और मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करने में क्या बेनिफिट्स और आगे लॉन्ग टर्म मुझे क्या चीज मिल जाएगी उसका मुझे कैपिटल गेन क्या मिल जाएगा आरओआई क्या मिल जाएगा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है मगर अब फिर वही बात आ जाती कि हम टर्किश रेजिम में बैठे हैं ठीक है हमारी जीडीपी ग्रोथ 5.6 है हमारे पास 30 to 32 million यूथ पॉपुलेशन है हमें जो बड़ा एक एडवांटेज है हमारे पास जो एक्सेस मिल जाता है हमें ट्रेड का 25 trillion का जो है डॉलर्स का Exactly. क्या आप पूरी यूरोपियन रिजीम को देख रहे हैं ठीक है और फिर आप यहाँ पे काम करें तो आपके पास इतना फ्री फॉल मनी है यहाँ पे कि मार्केट में इतना पैसा यहाँ पे मतलब रिवॉल्व करता है 25 trillion dollars यहाँ पे रिवॉल्व करता है और इतनी बड़ी है मार्केट है जिसकी पॉपुलेशन आपने बताया 1.7 बिलियन है ये सारे रिजीम को जो कनेक्ट कर रहे हैं हम ठीक है और ट्रेड जो है वो 7.8 बिलियन डॉलर्स की है Exactly. इतना पैसा इस मार्केट में और ये अभी बढ़ेगा कम नहीं होगा ऑब्वियसली यहाँ जो नई एयरपोर्ट बना है इस्तांबुल में तो ये नई एयरपोर्ट इसलिए बना है ताकि यहाँ पे लोगों के आना ज्यादा हुआ है ज्यादा जो ये अतातुर्क एयरपोर्ट था ये इसकी कैपेसिटी इतना नहीं कम थी जो इन लोगों को ये कवर करे इसलिए यह नई एयरपोर्ट बनी है जो वो दुनिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है अगर इसकी सेकंड और थर्ड फेज बिल्कुल एक्टिव हो जाए कि इसी हिसाब से देखें जो टूरिज्म को भी हम इसी में साथ ही इन्वॉल्व कर लेते हैं कि 46 मिलियन टूरिस्ट यहां पर आए एक साल के अंदर और हम 8th लेवल पे थे 8th नंबर पे थे टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रायोरिटी पे इस वक्त हम 6th पर आ गए एंड वो दिन दूर नहीं है कि जब हम 6th से 3rd या 2nd लेवल पे चले जाएंगे
ये बहुत और ये बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि अगर हम दुनिया को कंपेयर करें तुर्की इज द 13 बिगेस्ट कंट्री एज पर द जीडीपी या इकोनॉमी है और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें अगर यंग को देखें एजुकेटेड यंग है और अगर हम इंटरनेट की फैसिलिटीज यहाँ पे देखें तो 72 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं इंटरनेट यूजर्स हैं और इसमें से ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं तो ये सब कुछ मिला के तुर्की को एक ऑप्शन बनाता है और बेस्ट ऑप्शन बनाता है बेस्ट ऑप्शन बनाती है फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अगर वो लोग छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ आते हैं ना तो उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं मतलब कि आप देखें कि स्टील में बस प्रोडक्शन में व्हीकल प्रोडक्शन में ये टॉप में आता है ठीक है दुनिया में टॉप पर आता है इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है देखा क्या जाता है कि वहां का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसी है ये फर्स्ट सेकंड पर आता है बस इंडस्ट्री में ये यूरोप में पहले नंबर पर आता है ठीक है पॉपुलेशन वाइज यूरोप में बिगेस्ट नंबर पर आता है तो यही चीजें बहुत इफेक्ट पैदा करती हैं एक एज देती हैं टर्की को बाकी कंट्रीज के ऊपर कि बाकी कंट्रीज हैं जितनी आपने एयरपोर्ट की बात की इनकी एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है जब ये पूरा रनिंग पर आ जाएगा तो वो 220 मिलियन होगी मतलब मैं अगर अपने मुल्क की बात करूं हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 220 मिलियन ये सोच है ना कि अगर इनका टूरिस्ट अभी 46 मिलियन है तो ये हो सकता है कि सोच को ऊपर लेके जा रहे हैं कि 220 मिलियन तक हम एक एयरपोर्ट सिर्फ हैंडल कर सकें वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है exactly. और आज की सुबह की मैं न्यूज़ में पढ़ा था कि उसे टाइटल भी मिला है कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स में से बहुत फैसिलिटीज है बहुत फैसिलिटीज है और ये जो फॉरेनर्स यहाँ पे आएंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह आपको क्वेश्चंस भेज रहे हैं और वो खुद भी यहाँ पे आ जाएंगे तो ये सब कुछ फिगर्स के साथ वो खुद भी देखेंगे और आप जिस तरह आपने बताया तो हम ऑब्वियसली बताते हैं लोगों को कि आप आने से पहले इन्वेस्टिगेशन करो एक पहले आप पूरे रिसर्च करो और जो हम फिर वही आप भी इस बात को एज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम भी की थी कि आने से पहले आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं ठीक है क्योंकि देखें आप किसी इंडिविजुअल के पास जाओगे किसी एक बंदे के पास जाओगे जिसके पास नो हाउ नहीं है जिसके पास कोई आइडिया नहीं है वो आपको मिसलीड कर देगा मिसगाइड कर देगा वो आपने जाना यहाँ होगा वो पहुंचा आपको चार उल्टे रास्ते दिखा देगा ठीक है तो बीन एस एन प्रोफेशनल व्हील से कि आप एथिकल चलें प्रोफेशनलिज्म को साथ लेके चलें और हमारी तो कोशिश यही है कि लोगों को हम जितना अच्छा गाइड कर सकें जितना बेहतर गाइड कर सकें क्योंकि देखें कल को कोई आता है हमारी वजह से कोई सेटल हो जाता है तो मैं कहता हूँ मुझसे ज़्यादा किसी को खुशी नहीं होगी और आपका भी यही है कि यार हमारी वजह से किसी को आसानी हो गई हम किसी के लिए एक पाथवे बन गए तो इसी तरह से लोग जितना हमें कांटेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा फीडबैक हमारे व्यूअर से बहुत बेहतरीन है जो हमसे इतनी मोहब्बत देते हैं इतना सवाल करते हैं और हमारी भी यही कोशिश है कि आप लोगों को जितना एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जितनी बेहतर चीज़ें दिखा सकें जितना सारा कुछ हम बता सकें यहाँ पर बीइंग एन प्रोफेशनल और रहने के उसके ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रनिंग आवर कंपनी से कि अगर किसी को लगता है कि हम सिर्फ YouTube वीडियोस बना रहे हैं YouTube वीडियो बनाने के मकसद सिर्फ एक लोगों को फैसिलिटेट करना है गाइड करना है बैक एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ कंपनीज हेयर जिसके ऊपर वी हैव प्रॉपर ऑफिसेस हेयर दिस इज वन ऑफ आवर ऑफिस के जिसके अंदर हम बैठ के ये सारे काम हो रहे होते हैं ये सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है और इसी में फिर हम आप लोगों के लिए भी टाइम निकालते हैं कि ताकि लोगों को जितना हेल्प कर सकें गाइड कर सकें वो यही करें आदिल भाई मैं भी व्यूवर्स को यही बताऊंगा कि आने से पहले कांटेक्ट करें और पूछताछ करें रिसर्च करें और उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं तो जिस तरह आपने भी इशारा किया कि वो ऑफिस देखें कंपनी देखें कि जिस तरह ये वीडियो से जब लोग देखते हैं तो यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उसके जो प्रॉपर ऑफिस नहीं होते प्रॉपर काम नहीं होता है कोई कंपनी रजिस्टर नहीं होता है और उसका ये खुद का नहीं होता तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसीलिए मैं हम कहते हैं कि प्रोफेशनल के साथ जाओ प्रोफेशनल के साथ काम करो ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक रुपया से लेके एक मिलियन डॉलर तक मिलियन डॉलर तक तो वो बहुत एक स्टेप के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल इसी कैटेगरी में आती है कि सब कुछ
एक अलाइन हो, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, क्योंकि जिस तरह हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बताते हैं और आई एम श्योर आपको भी ये बहुत सारी चीजों का फेस करना पड़ता होगा कि सर हमने उनको पैसे दिए, वो पैसे लेके हमारे भाग गए, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, दिस इज द रीजन हम यहाँ पे बैठे हैं, दिस इज द रीजन हमें वीडियोस आप लोगों के लिए अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के बनाते हैं ताकि आने वाले लोग इन स्कैम से बचें। ये जो मार्केट में इतने सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, जिसका दिल करता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठ के वीडियो बना देते हैं, यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म दे दिया उन्हें, मगर ये है कि क्रेडिबल लोग नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, हम प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे हैं, हम किसी से कोई पैसा नहीं मांगते कि भाई हमें पैसे दो हम इन्वेस्ट करें, नहीं, हम आपका, हमारा मकसद है आपको गाइड करना, आप खुद आए जो आपको बेहतर लगता है, कॉस्ट डिसीजन इज ऑल योर्स, ठीक है, जो आपने डिसीजन लेना है हम आपको उसके लिए एक राह दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बट डिसीजन आपका होगा कि आप कितना उससे सहमत करते हैं या नहीं करते हैं। एग्जैक्टली अदिल भाई, तो क्वेश्चंस जब आते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि तुम प्रोफेशनल के पास जाओ, और जाते ही वो सारे जो आपके इन्वेस्टेशन से जो फिगर्स हम बता रहे हैं, जो तुर्की का बैकग्राउंड है, जो तुर्की के आने वाले हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और जब आप आते हैं यहाँ पे तो ऑब्वियसली जिस रास्ते से, जिस कंपनी के साथ आप काम करते हैं तो उसको प्रॉपर तरह रिसर्च करके फिर आपको प्रोसेस में भी आसानी हो जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट्स में भी आसानी हो जाएंगी, और आप जो टारगेट में, टारगेट के लिए यहाँ पे आते हैं वो आपको उसी टाइम के टाइम फ्रेम में आप मीट कर पाओगे, मीट कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं तो वो 2-3 महीने का टारगेट लेते हैं तो 6-6 महीने लग जाते हैं, तो फिर वो कंप्लेन करते हैं कि हम हमारे साथ ये से वो हमारे साथ, तो ये क्या है कि पहले से उसको पता नहीं है, तो उसको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो बाद में उसकी प्रोसेस, उन लोगों की प्रोसेस 6-9 साल तक जाती है, तो बहुत सारे वो अपने टारगेट को पहुँच भी नहीं जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी की वजह से आदिल भाई का प्लान था कि वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि कौन प्रोफेशनल काम कर रहा है, कौन प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा है, कौन यहाँ पे रजिस्टर्ड काम कर रहा है, कौन रजिस्टर्ड काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो मेरा भी यही कहना है कि आप लोग जब आते हैं तो आने से पहले प्रॉपर स्टडी करें, एक होमवर्क करें, जज्बाती जज्बात होकर फैसला ना लें, कुछ जज्बाती फैसला ना लिया करें, अपने जो भी काम करना है, अपने आना है, स्टडीज के लिए आना है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आना है, बिजनेस के लिए आना है, फैमिली रिलोकेशन है, कॉर्पोरेट रिलोकेशन है, मर्चर्स है, एक्विजिशन है, या आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, लैंड इन्वेस्टमेंट्स हो गई, तो उसको प्रॉपर स्टडी करके प्रॉपर लोगों के पास जाएं, ठीक है। हमारा ये मकसद नहीं कि आप हमारे पास आए, कतन ये मकसद नहीं कि हम खुद को प्रमोट करें, हमारा कहने का मकसद ये है कि आप उसके पास जाएं जो प्रॉपर प्रोफेशनल हो या आपको प्रॉपर गाइड कर सके। ये जो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर आएंगे हमारी बनाई है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप IMF की, OECD की वेबसाइट से पर जाके उनके जर्नल्स रिलीज होते हैं हर साल, उनकी बुक्स रिलीज होती हैं, उनके चार्ट्स रिलीज होते हैं, आप उससे जाके स्टडी करें, आप देखें, फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा। जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी एक बात की थी 5.6 में, इसी तरह बता रहा था GDP का, तो बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स हंसे, उन्होंने मुझे मैसेजेस किया 5.6 कैसे। मैंने कहा देखो ये मेरा बनाया हुआ तो नहीं है ना, आप IMF की वेबसाइट जाके देखो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ऐसा है आदिल भाई, जो इतने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इतने सारे कंपनीज है तुर्की में, तो लोगों को पता नहीं है कि कौन सच्ची काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है, तो इसीलिए वो लोग सबको एक कैटेगरी में डिसाइड लेते हैं। तो इसीलिए इंशाल्लाह वीडियोस को देख के जब भी लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे मीट करेंगे, ऑफिस देखेंगे, इंशाल्लाह कंपनी देखेंगे, तो ये सब कुछ बाहर से होते हैं, तुर्की के अंदर आ जाएंगे, उसको सर्विसेज, हाँ, फिर वो खुद उन्हें पता चल जाएगा काला सफेद क्या है। हाँ, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो यहाँ से आने के बाद लोगों को पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, तो शायद आपको भी आया होगा कि ये स्कैम है, ये वो, तो ये ऑब्वियसली लोग जब बाहर है स्केप्टिकल हो जाते हैं, हम इसको मना नहीं कर सकते क्योंकि है, बिल्कुल अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन इसीलिए वीडियो का भी रीज़न यही हुआ कि आप लोग आने से पहले इन्वेस्टिगेशन करें, आ जाइए अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसेस की तरह, ताकि वो जो टारगेट के साथ आप लोग आते हैं 2-3 महीने जो हम आपको बताते हैं कि 2 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा, 1 महीने के अंदर आपका काम, वो हम स्टेप के थ्रू, दूसरा फिगर्स हम बताते हैं, इसी स्टेप्स के थ्रू हम
ये बता रहे हैं कि आपका काम इसी 2 महीने के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपनी तरफ से ये बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है, हाँ। कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप किसी और के पास जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स मिल जाती है तो वो कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह। क्योंकि जिस तरह आप ये ऑफिस की बात कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव आवर ऑफिसेस हियर, और जितने हमारे व्यूअर्स हैं दे आर मोस्ट वेलकम, आए हमें विजिट करें, आने से पहले हमसे कॉन्टेक्ट करें, अपॉइंटमेंट लें और बिल्कुल ऑफिस आके विजिट करें, हमसे मिलें, आके हमारे साथ चाय कॉफ़ी पिएं, ताकि आपको खुद आइडिया हो जाए कि यहाँ पे हम किस लेवल का अल्हम्दुलिल्लाह से काम कर रहे हैं और बाकी किस लेवल का काम करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बाकी बुरा काम करें या बाकी अच्छा काम करें, हम ये बात कह रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग एज ए प्रोफेशनल, हम एथिकल और प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं। पूरी हमारी टीम्स हैं जो हर चीज को देख रही है, ठीक है। जिस तरह ये वीडियो बन रही है, इसके पीछे पूरी एक बैकएंड पर टीम है जो इसको मैनेज करती है। बाकी जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, प्रॉपर्टी का सेक्शन है, मर्जर्स एक्विजिशन का सेक्शन है, इन्वेस्टमेंट का सेक्शन है, ये बाकी इस तरीके के जितने 7-8-9 सेक्शन है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सेक्शन है, उस सब के ऊपर एक एक पूरी टीम अलॉट है जो सबको मामला को देख रहे हैं। और हम यहाँ से बैठ के स्ट्रेटेजिक बनाते हैं, पोजिशनिंग देखते हैं, सारी स्टडीज करते हैं और फिर आपके साथ ये काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो जाते जाते कोई एंड नोट पे आप कोई बात करना चाहेंगे? मैं एंड में यही बताऊंगा कि आप जो सुनते हैं, जो आप यूट्यूब पे लोगों के कमेंट्स और कंप्लेंट्स सुनते हैं, आने से पहले एक इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद अपने सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके इंशाल्लाह जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, जिस तरह आदिल ने बताया, प्रॉपर ऑफिस देखेंगे, कंपनी देखेंगे, और जो जहाँ पे हम रह रही है यूरोपियन साइड है, बिल्कुल ऐसे ही इस्तांबुल का यूरोपियन एयरपोर्ट से बहुत करीब है, इंशाल्लाह जब आप लोग आ जाएंगे तो आप लोगों को ये एयरपोर्ट से भी पिकअप मिल जाएंगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आने के बाद सारे क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। और आप बता दें, अच्छा मैं जाते जाते मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा 2-3 वीडियोस के लिए, और जो मेरे दिमाग में बहुत फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस हैं, पहला सवाल तो ये आ जाता है कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स के हैं, उसके बेनिफिट्स के हैं, उसके प्रोसीजर क्या है, उस पर कॉस्ट क्या आती है, क्योंकि ये लोग बहुत एम्बिग्यूटी सिचुएशन में है, उन्हें पता नहीं कि क्या करना है, पैनिक है, पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं, क्यों कहते हैं 2.5 लाख में हो जाता है। जिस तरह एक बंदे ने, दो बंदों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर, एक बंदा मुझे टर्की में बैठ के कह रहा है कि आप मुझे $1,40,000 दो तो मैं आपको पासपोर्ट दिलवा दूंगा 2.5 लाख वाली प्रॉपर्टी का। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो सारे स्कैम्स हैं। इसके रीजंस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एक और जो है, जो मेरा बहुत हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, वो रेड कार्ड और ब्लू कार्ड है, ठीक है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त और बाकी जितने भी लोग रिलोकेट होने वाले हैं वो इस वक्त बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में, हमेशा हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स डेली की आती हैं कि सर ये रेड कार्ड क्या है, ये ब्लू कार्ड क्या है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हम सून इसके ऊपर भी वीडियोज आप देखेंगे। और जाते जाते आज से थैंक यू मिर्जा खान आपके आने का, आपके टाइम का। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, एंड इंशाल्लाह सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। The rest night knows, and we, and the tower that sees, and the light that showed me a path through the sea.